हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो लेटेस्ट अपडेट देने के लिए मैं आपको आई हूँ। एक लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको कल दिया था। क्या थी वो? कि आपका जो स्कूल है वो बोर्ड एग्जाम के लिए सेल्फ सेंटर बनेगा। जितनी भी PSEB जो प्राइवेट स्कूल है, एफिलिएटेड है, उनका सबका जो है अपने स्कूल में ही सेल्फ सेंटर बनेगा। और आज एक न्यूज आई है, ठीक है, जो भी पंजाब बोर्ड की अपडेट से मैं आपको तुरंत बताती रहती हूँ, तो इसके लिए प्लीज अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि पंजाब बोर्ड की जो है अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज की न्यूज ये है कि जो आपकी एग्जाम है वो स्टार्ट होगी आपकी 13 दिसंबर, 13 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में आपकी एग्जाम जो है होके फिनिश भी हो जाएगी। तो जो हमारे PSEB के चेयरमैन हैं योगराज जी, तो उन्होंने बोला है कि कोविड की वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत आई है, उनका बेस खराब हो गया था, वो स्टडी नहीं कर पाए, इस वजह से उन्होंने सारे एग्जाम को दो टर्म में डिवाइड कर दिया, 50-50% सिलेबस रख दिया, सेल्फ सेंटर कर दिया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर सेल्फ सेंटर होगा तो बोला हुआ है कि हर प्राइवेट स्कूल में वहां पर क्या होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे, जिस रूम में पेपर होगा उस रूम में जो है सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, वहां चेकिंग होगी। अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं होंगे तो जो एफिलिएशन है स्कूल की, मतलब एफिलिएशन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपका जो बोर्ड का सेंटर बनना है वो सेंटर कैंसिल हो जाएगा। मीन्स जहां भी आप एग्जाम दोगे वहां पर सीसीटीवी जरूरी, ये स्कूल को आपके मैसेज आ गया होगा। और अगला ये है नोटिस कि जो एग्जाम्स है आपके आपके स्कूल में होगी, टीचर्स के शफल होने की बात है कि आपके टीचर होंगे या दूसरे स्कूल के टीचर होंगे, ये अभी कंफर्म नहीं है कि आपके स्कूल के भी हो सकते हैं दूसरे स्कूल के भी हो सकते हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगे रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, चाहे आपके स्कूल को हो चाहे वो दूसरे स्कूल के, ठीक है। तो अब यही है कि बच्चों ये ज्यादा स्ट्रेस में ना रहे। एमसीक्यू क्वेश्चन है, अभी नेस के पेपर हुए उसमें भी बच्चे काफी एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए उनके जो फर्स्ट टर्म के पेपर है एमसीक्यूज फॉर्म में ही लिए जा रहे हैं ताकि इजी से वो अपना पेपर कवर कर सके। तो इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अभी टाइम है आपके पास, पूरा एक महीना है। आप जुट जाओ, अपने सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड कर लो और पार्ट्स में डिवाइड करके उसको पढ़ने में लग जाओ, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे ही पंजाब बोर्ड की अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए, ठीक है। ओके, बाय बाय।